हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश ज्ञान बाय प्रियंका। एक्चुअली मुझे जितनी नॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों तक वो नॉलेज पहुँचे। जो मेरी वीडियोस हैं वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एज लिमिट के लिए नहीं है कि इसको सिर्फ बड़े या फिर कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बट जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं डेली और जो अपनी ट्यूशंस अरेंज नहीं कर सकते हैं, वो घर पे बैठ के अपना मोबाइल से ही मेरी इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि मैं डे वन से ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस से ही हम प्रॉपर कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कि पहले हमें सेंटेंस पता होना चाहिए कि क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस। लाइक सेंटेंस का मतलब है कि द लेटर्स आर कम्बाइंड टू मेक अ वर्ड, कि जो लेटर्स कम्बाइन होने के बाद एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं। व्हेन दीज आर कम्बाइंड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जब हम उनको एक कम्बाइन कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस। ठीक है। इफ़ दीज वर्ड्स आर नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर वो वर्ड्स को हम स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, जैसे ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में लिखा है, हमने इनको ऑर्डर में नहीं लिखा, तो ये एक सेंटेंस नहीं देंगे, क्योंकि इनका कोई भी सेंस नहीं बन रहा। ठीक है। लाइक कैट इज़ देयर अ, कोई सेंस नहीं बन रहा, ना इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, ना ही हमने इसका कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं। सेकेंड लाइन इज मोबाइल फोन इज़ अ दिस। थर्ड सेंटेंस इज सुमन इज़ फ्रेंड माय, प्लेज ही फुटबॉल, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि ये कोई भी वर्ड हमने ऑर्डर में नहीं लगाए, तो ये सेंटेंस नहीं है। जब हम इनको पुट करते हैं जंबल वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जंबल वर्ड्स हैं ये वाले कि हमने कहीं पे भी वर्ड लगा दिया, अब हमने इनको एक प्रॉपर लाइन में बनाना है, एक ऑर्डर में सेट करना है, तो उसी से इसकी मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। लाइक देयर इज़ अ कैट, इसको अब हमने कर लिया प्रॉपर सेंटेंस में, देयर इज़ अ कैट, और जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल हो गया और फुल स्टॉप भी आ गया, इससे एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। देयर इज़ अ मोबाइल फोन, सुमन इज़ माई फ्रेंड, ही प्लेज फुटबॉल, दीज आर सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया। अगर जिसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर सपोज मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी हैंड राइटिंग पर वर्क करूँगी। और जो भी आपको वर्ड नहीं समझ में आए या फिर कुछ भी समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और आप सब लोगों को पता है कि आजकल के टाइम में इंग्लिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है, कि जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप उन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। इवन वो थोड़े एडवांस्ड वर्ड्स होंगे जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, जो बहुत हेल्पफुल होंगे। इवन यू लुक रियली स्मार्ट। यस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक मीनिंगफुल सेंटेंस, उसी को बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस, फिर वो क्या बन जाता है? मीनिंगफुल सेंटेंस। एक बेसिक ऑर्डर होता है और एक होता है जिसमें हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी ऐड करते हैं। जब भी एक सेंटेंस बनता है, एक होता है बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर में क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि एक सब्जेक्ट है कि कौन क्या कर रहा है, और सिंपल वर्ब लगी होती है कि क्या काम हो रहा है। वर्ब के बारे में भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी, सब्जेक्ट एवरीथिंग मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट्स लाइक सब कुछ। यस, एंड द जो फर्स्ट सेंटेंस है वो काइट्स फ्लाई। काइट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, फ्लाई जो है वर्ब। ओके, एंड सिंपल ये एक बेसिक ऑर्डर है कि सब्जेक्ट लगा और वर्ब लगा। नाउ ही इज़ डांसिंग, ही जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये क्या आ गई? हमारी मेन वर्ब, कि क्या काम हो रहा है। ही इज़ डांसिंग, अब हमने उन्होंने नहीं बताया कि जो काइट है वो कहाँ पे फ्लाई कर रही है और जो डांस है वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो अगर वो हमें प्रॉपर बताएंगे कि डांस कहाँ पे हो रहा है, तो वो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस के साथ एक्स्ट्रा कुछ भी लगाते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस ही होते हैं। लाइक फ्लाइट्स काइट्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे इन द स्काई नहीं था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग गया कि कहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है, इन द स्काई। ही इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। गाइज़, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और एक टिप है यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में है कि सेंटेंस का प्रॉपर यहाँ पे समझ आएगा, और सेंटेंस बीइंग विद द कैपिटल लेटर कि हमेशा वो कैपिटल लेटर के साथ आएगा, इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। और हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हैं? 4। फर्स्ट टाइप है हमारी असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या है कि सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक सबको पता है कि जो सेंटेंस है वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ ही इसका एंड होना है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड सुधा डजंट लाइक मिल्क, सुधा को मिल्क पसंद नहीं है, ये नॉट लग गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके साथ सिंपल हमारा लगा है फुल स्टॉप, जो एक सिंपल प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसमें कुछ भी ना इंटरोगेटिव है ना इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस, वो हमारा होगा एजर्टिव डेक्लरेटिव। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, जब हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क ऑलवेज, लाइक इज ही एट होम, क्या वे घर पर है, व्हेन डिड ही ट्रेन, व्हेन डिड द ट्रेन लीव, मतलब ट्रेन जो है वो कब जाएगी। ओके ये इनके साथ, इनमें हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसके साथ लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन, जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्या कन्वे करते हैं, कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस, कि जब हमने किसी को कुछ कमांड, कुछ भी हमने ऑर्डर देना है या रिक्वेस्ट करनी है या फिर कुछ एडवाइस करनी है उस चीज़ के लिए। इट ऑफन बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और लेट, मतलब जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, लाइक वर्ब ही, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा, मैं बताती हूँ अभी। एग्जाम्पल गो देयर एट वंस, गो एक टाइप की हमारी वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है गो से, मतलब जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है वो फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और या फिर लेट, लेट अस प्ले, चलो खेलें। लाइक नेक्स्ट हमारी लास्ट जो हमारी टाइप है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक खुशी हो गया, गम हो गया, या कुछ सरप्राइजिंगली कुछ भी शो करना है, वो सब चीज़ें शो करते हैं। एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स और जॉय, सोरो, सरप्राइज, लाइक दिस। एग्जाम्पल है वॉट अ नाइस फिल्म इट वॉज, वॉट आ गया, मतलब ये थोड़ा कुछ भी सरप्राइजिंगली कुछ बता रहे हैं या कुछ भी बोलें कि यार क्या, कितनी अच्छी फिल्म थी, तो इसके साथ हमारा क्या लग गया, एक्सक्लेमेटरी साइन। हुर्रा वी हैव वन, कि हम जीत चुके हैं, जीत लिया, हम जीत गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, वो कैबलरी वर्ड्स, और वो मेरी हर वीडियो के एंड में आपको मिला करेंगे, जिनमें आपको डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे। लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो सबको पता है कि ब्यूटीफुल वर्ड बोलते हैं, लाइक यू आर ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, तो इसके लिए हम इसके डिफरेंट सिनोनिम्स क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्विसिट, जो देखने में सुनने में बहुत अच्छे वर्ड्स लगेंगे, एक्सक्विसिट, रैविशिंग, अपीलिंग। मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग वर्ड्स बेशक कम करें, बट जो भी करें, चाहे एक ही पढ़ें एक दिन में, बट उसको अपनी लाइफ में यूज़ करें, क्योंकि फ़र्क तब पड़ता है जब हम यूज़ करते हैं। सिंपल वोकैबलरी, ढेर ढेर सारे वोकैबलरी वर्ड्स लर्न करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब आपके दिमाग में ही नहीं बैठेंगे। एक वर्ड ले लो, उसको 2 दिन तक अपने माइंड में रिपीट करो, उसको घर में बोलो, बाहर बोलो, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीकिंग में वो वर्ड सेट हो जाएगा, और डेफिनेटली कि आपकी टंग पे सेट होगा और आप बोलेंगे। इसलिए आपको मेरी हर वीडियो के एंड में चाहे 1 या 2 स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी वर्ड्स, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे वाले वर्ड्स मिलेंगे। लाइक एक्सक्विसिट अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे तो वो सुनने में देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक शी हैज़ एन एक्सक्विसिट फेस, ब्यूटीफुल तो हम बोलते हैं, अगर हमने एक्सक्विसिट बोला तो वो डेफिनेटली सुनने में अच्छा लग रहा है और आप इम्प्रेसिव लगेंगे किसी के भी सामने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैविशिंग, रैविशिंग भी ब्यूटीफुल का ही सिनोनिम है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। द व्यू ऑफ ओशियन इज सिंपली रैविशिंग, जो मतलब चीज़ देखने में अट्रैक्टिव लग रही है, जिससे हम इम्प्रेस हो रहे हैं, हम उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक्सक्विसिट, रैविशिंग, अपीलिंग।
और द व्यू ऑफ माउंटेन, द व्यू ऑफ एनीथिंग, मतलब आप कहीं पे भी इन वर्ड्स को फिट कर सकते हो. नेक्स्ट है शी हैज़ एन अपीलिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है. शी हैज़ एन अपीलिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. आप जो भी वर्ड पढ़ें उनको सेंटेंस में फिट करके देखें कि वो सेंटेंस में कैसा लग रहा है. ऐसे वर्ड्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको समझ में आएंगे और ना ही आपको पता चलेगा कि वो वर्ड यूज़ कैसे करना है. चाहे एक वर्ड पढ़ो बट उसको सेंटेंस में सेट करके देखो कि ये सुनने में, देखने में और यूज़ करने में अच्छा लग रहा है. ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. और आपको डेली डेली आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी. मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे खूब सपोर्ट करें, खूब सारे भर भर के लाइक्स दें और कमेंट्स करें. थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप.